दाल में कुछ काला है। बेसिकली मेरा जो इसमें नाम है वो है कमाल फेकू। एक और लड़की आ गई जिसने कहा मैंने तो पूजा की थी और मेरे को 4.5 लाख रुपए दो नहीं तो मैं केस कर दूंगी। और मॉलेस्टिंग का केस किया उसने, 4.5 लाख का किया भी नहीं, बिना किसी प्रॉब्लम के। यार एक दोस्त को सिम कार्ड विद मोबाइल गिफ्ट करने के जुर्म में जेल जाके आया यार। पुलिस ने आके मुझे उसके घर से ऐसे बाहर निकाला जैसे मैं 8 साल से उसका हस्बैंड नहीं था, मैं घर में भी काम करने वाला नौकर भी का टाइप हो गए। चल सामान उठा निकल यहाँ से, मैडम को परेशान नहीं करने का। राजा चौधरी ने अपनी पत्नी के साथ उसके घर जाकर मारपीट की और उसके बॉयफ्रेंड को भी मारा। यार हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बॉयफ्रेंड एक वाइफ के घर में रह रहा है? अभी तो डिवोर्स भी नहीं हुआ यार ऑफिशियली। ओके नहीं, इमेजिन के अभिमान, शायद अभिमान एक फिल्म थी वो रिवर्स में मेरे घर में चल पड़ी हो। आई हैव सीन द वर्स्ट, आई हैव सीन द बेस्ट, आई स्टिल इज द रेस्ट। हाई, दिस इज राजा चौधरी एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा .com। आज हमारे साथ हैं राजा चौधरी जिनकी फिल्म दाल में कुछ काला है बहुत जल्द आने वाली है। वीना मलिक पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी उसके अंदर मौजूद रहेंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू वेरी मच। आपके और वीना मलिक में कॉमन ये है कि आप दोनों बिग बॉस में जा चुके हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस है जिससे वो भी वाकिफ है और मैं भी वाकिफ हूँ। वो भी एक सीजन में रही है, मैं भी एक में रहा हूँ। दाल में कुछ काला है के बारे में बताएं कि आपका आपका रोल क्या है, किरदार क्या है? दाल में कुछ काला है बेसिकली मेरा जो इसमें नाम है वो है कमाल फेकू। और इसके पीछे जो है कि कैरेक्टर ये जो है बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करता है और जो इनफैक्ट हो भी ना उसे इमेजिनेटिवली बताने की कोशिश करता है अपने दोस्तों के बीच में, और तो इसलिए प्यार से और या गुस्से से या जो भी बर्दाश्त करे उसे कमाल इसका नाम है और फेकू साथ में कहते हैं इसके। ये फेंकता है बहुत कैरेक्टर। बाकी लोग गरीब लोग हैं और बहुत वैसे एंथुजियास्टिक हैं कि कुछ बनना है, अगर मेहनत से नहीं बन पा रहे तो चलो कि हेरा फेरी करके पैसा कहीं से इंतजाम कर लेते हैं। तो हाउ टू अचीव द मनी एंड यू नो द एंड यू रियलाइज के अपनी मेहनत का पैसा ही ठीक पैसा है, बाकी हेर फेर का तो हेर फेर का ही है, इस टाइप का कुछ वो लास्ट में मैसेज है। और होल मूवी मतलब कॉमेडी सिचुएशंस की तरह मूव्स ऑन अ स्टोरी ऑफ सो मेनी पीपल एक्चुअली। इससे पहले कौन कौन सी फिल्में आपने करी हुई हैं? इससे पहले एक फिल्म मैंने की थी, इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट कॉल्ड बॉल्स हैं क्या, इट्स लाइक नॉट येट रिलीज, नॉट येट डन फुली, मतलब शॉर्ट इज बीन डन नॉट येट रिलीज, बेस्ड ऑन वेरी 7-8 डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई रिक्शा वाला है, कोई एक्टर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई कुछ है, हाउस वाइफ्स हैं, कपल्स हैं, एंड दे शेयर अबाउट देयर यू नो हाउ दे मीट एंड हाउ दे मेक इट एंड देयर सेक्शुअल एलिमेंट्स बेसिकली। तो बहुत ही यू कैन से एडल्ट फिल्म इज देयर, इट्स एडल्ट फिल्म। बॉल्स हैं क्या? बॉल्स हैं क्या, अनिरुद्ध चावला द गाय इज द डायरेक्टर बेसिकली। 92.7 पे आरजे अनिरुद्ध, यस तो इज द डायरेक्टर ऑफ दैट। और उसके अलावा आपने भोजपुरी फिल्में भी आपने करी? भोजपुरी लैंग्वेज की फिल्में मैंने की है, आई थिंक 4 फिल्में की मैंने उसमें एज ए नेगेटिव गाय। हमने जब बिग बॉस में आपको देखा उससे पहले आपकी बहुत से आपके बारे में बातें सुनी हुई थी, उससे पहले आपको एक और जो डांस का रियलिटी शो आपका स्टार 1 पे आपको जाया था उसमें भी आपको देखा था बहुत करीब से, और बिग बॉस में भी देखा कि आपको गुस्सा वुस्सा तो आपको आता है, लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट मुझे तो आप काफ़ी उसमें स्टेबल लगे, आप अपना मतलब रोज़ाना एक्सरसाइज करते थे एंड जितना हो सकता था आप कंट्रोवर्सी से दूर ही रहते थे, और इनफैक्ट लोग जो हैं आपसे एडवाइस मांगने के लिए आपके पास आते थे। जिस घर में जाके लोग जो हैं एकदम बिल्कुल पागल हो जाते हैं, आप बहुत ही नॉर्मल लगे, लेकिन घर से बाहर आने के बाद आपके चर्चे बहुत चीज़ों में आते हैं। मुझे ऐसा लगा घर के अंदर मैं जैसा मैं अपने आप को नॉर्मल फील कर रहा था वैसा ही वो लोग भी नॉर्मली थे जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते थे। इमीडिएटली मैं घर से बाहर आया तो ये इतना एबनॉर्मल हो गया लोगों के लिए कि यार मैं नहीं पता था मुझे मैं इतना पॉपुलर हो जाऊँगा या हो चुका हूँ। इमीडिएटली जैसे मैं बिग बॉस से बाहर आया मेरे पास बहुत सेक्सी सी फोर्ड की जीप थी, लेफ्ट एंड ड्राइव ओपन, मैं रात को एक मस्त ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा हूँ अपना बाहर फ्रीडम इंजॉय कर रहा हूँ। 98 डेज़ के बाद तुम बाहर आए हो, किसी सिग्नल पे सुपर सिक्स टाइप जैसे आजकल का एक लक्ष्मी टाइप कैरेक्टर है जो घर के अंदर बिग बॉस के घर के अंदर तो जो ऐसा ऐसा करके पैसा मांगते हैं तो दे स्टार्ट मी नो हाउलिंग राजा राजा राजा, और मैं तो अच्छा म्यूजिक चल रहा था मेरी जीप में, वो आगे पैसा वैसा मांगने लगे, पैसा दे ये दे वो दे, हमने बहुत पसंद किया, एक दो बोले वोट भी किया ये किया,
तो एक बड़ा तमाशा से शुरू हो गया वहाँ पे, और बहुत सारे लोग आके खड़े हो गए। तभी पता नहीं कहाँ से एक मीडिया की गाड़ी आके वहाँ खड़ी हो गई, और मीडिया की गाड़ी आके जैसे खड़ी हुई इमीडिएटली पुलिस की गाड़ी आ गई। तो एक आदमी सराउंडेड बाई सो मैनी पीपल, और वो कैमरे भी वाले ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं उसे दिखाने के लिए और क्या हो रहा है। तो इस सब यू नो प्रॉब्लम में पुलिस जस्ट टुक मी टू द पुलिस स्टेशन, और बस पुलिस स्टेशन ले गई तो दे स्टार्टेड हैरेसिंग मी। आई मीन नॉट बीइंग हैरेस्ड बाय एनीवन बॉस, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, व्हाई शुड आई गेट स्केयर्ड विद सीइंग पुलिस एंड ऑल। ओके यार वो पुलिस फाइन, आई नेवर लर्न द लॉ क्योंकि मुझे कभी तोड़ना ही नहीं था, मैं कुछ ऐसा करता ही नहीं जो गलत हो। एनी हाउ इसी बीच में यू नो इट बिकेम मोर हाइपरजेनिक, शक्ति कपूर आ गया एक कैमरे को लेके, जुल्फी सैयद आ गया उधर से एक कैमरे को लेके, एक और लड़की आ गई जिसने कहा मैंने तो पूजा की थी और मेरे को 4.5 लाख रुपये दो नहीं तो मैं केस कर दूंगी, और मोलेस्टिंग का केस किया उसने, 4.5 लाख का किया भी नहीं। तो आई जस्ट सो सरप्राइज व्हेन आई केम आउट कि व्हाई पीपल आर ओवर रिएक्टिंग फॉर एवरी डैम थिंग। आई एम द सेम गाय यार, मैं पहले से ऐसे घूमता था, जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे 13 साल से मुंबई में एटलीस्ट जो जानते हो, मैं ऐसा ही था शुरू से। बस ये था पहले लोग मुझे नोटिस नहीं करते थे, आजकल अचानक क्यों नोटिस करने लगे हैं, और फिर इस वजह से मुझे बाद में बहुत लेटली अब जाके मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भैया ये लोग तो एक आर्टिफिशियली चीज़ देखना चाहते हैं, ये लोग सच नहीं देख सकते। एंड द फैक्ट इज़ मैं बिना किसी प्रॉब्लम के यार एक दोस्त को सिम कार्ड विद मोबाइल गिफ्ट करने के जुर्म में जेल जाके आया यार। आई हैव सीन द वर्स्ट, आई हैव सीन द बेस्ट, आई स्टिल इज द रेस्ट। जैसे एक चीज़ हमने बिग बॉस में काफ़ी क्लोजली देखी थी कि आप अपनी बेटी के बहुत आप अटैच्ड हैं, और आपने काफ़ी बार जिक्र किया उसके उसके बारे में अपने घर में। कभी अगर आपको लगता नहीं है कि मतलब जिस तरीके से भी चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं आपकी बेटी पे भी असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? सिर्फ पड़ेगा नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है पड़ चुका होगा अब तक तो, एक्चुअली जितना भी पढ़ना होगा, क्योंकि जब वो 6 साल की थी जब हम लोगों के बीच में ऐसा डिस्प्यूट हुआ, जब श्वेता तिवारी ने फोर्सफुली पुलिस में कंप्लेंट की कि ये मुझे हैरेस करता है, इसको मेरे घर से बाहर निकालो, पुलिस ने आके मुझे उसके घर से ऐसे बाहर निकाला जैसे मैं 8 साल से उसका हस्बैंड नहीं था, मैं घर में कोई काम करने वाला नौकर भी का टाइप हो गए, चल सामान उठा निकल यहाँ से, मैडम को परेशान नहीं करने का। तो हमने उसकी चॉइस नहीं दिया यार, चले गए वले गए, लोगों ने घर वालों ने सोचा ये तो जो है कुछ भैया डिप्रेस हो गया आदमी, शराब वराब पीने लगा है, इसको रिहैब में डाल दो, रिहैब में डाल दिया ये, मतलब हर जगह दे वर ट्राइंग टू शो दिस गाय इज़ नॉट बीन लिसेंड एनीवेयर। और मैंने अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर करके, कभी मेरी सास ने, कभी वो बीवी ने, कभी उसके भाइयों ने, कभी उसके बॉयफ्रेंड्स ने, हर बार पुलिस बुला ली, और कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा रचा दिया वहाँ पे कि आई बीन बिहाइंड द बार्स अननेसेसरी, बिकॉज मेरी गलती क्या हुई कि यार मैं वहाँ चला गया उससे मिलने और मुझे नहीं पता दिया, स्टिल वेरी पावरफुल। मैं हमेशा एक नॉर्मल आदमी की तरह मिलने जाता हूँ, जैसे यू नो याद आई यार चलो तुम चले गए ठीक है भाई, इट डजंट मीन कि तुम्हारे घर में जाओ जब भी तुम पुलिस बुलाओ। पुलिस इज सो आई डोंट नो शी इज बिग फैन ऑफ श्वेता तिवारी व्हाट, हर बार उठाया पुलिस स्टेशन में बंद, एंड आई डोंट नो हु कॉल्स दिस मीडिया आल्सो एवरी टाइम दे कम। एंड अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि जब भी इस तरीके कोई इंसिडेंट्स हुए हैं तो मीडिया जो है अपने आप से वहाँ मौजूद हो जाती थी? आई डोंट नो, कोई तो इन्फॉर्म करता होगा यार, बिकॉज जब वो बिग बॉस में थी और जब वो आप उनके घर पे गए और अपरेंटी जो उनके बॉयफ्रेंड भी शायद वहाँ मौजूद थे, आपने उनसे भी हाथापाई करी, तो वहाँ पर भी मीडिया मौजूद थे और सब चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड। घर पे नहीं थी मौजूद, वो बाद में उन्होंने कुछ दिखाया होगा, मैं घर में रात को गया यार, मैं दिन में रात को, फिर मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर अगले दिन फिर एक कोई कंप्लेंट कर दी उन लोगों ने, फिर मुझे अरेस्ट करके ले गई। तो यू नो सो मेनी ऑफ सिक्वेंसेज, पर अल्टीमेटली क्या हो गया, एक लूप बन गया, वेदर देयर इज समथिंग और देयर इज नॉट समथिंग, आपको दिखाना वही है, यू नो देयर इज नॉट इवन बीन अंडरस्टूड दैट लेवल के भैया चलो इसका एक कोई शायद दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कोई एक डिटेक्टिव टाइप आदमी सामने नहीं आया, या कोई एक ऐसा ऑनेस्ट आदमी सामने नहीं आया जिसने ये सोचा होगा नहीं बॉस इनफ, व्हाट इज़ द फॉल्ट, राजा चौधरी ने अपनी पत्नी के साथ उसके घर जाकर मारपीट की और उसके बॉयफ्रेंड को भी मारा। यार हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बॉयफ्रेंड एक वाइफ के घर में रह रहा है, और अभी तो डिवोर्स भी नहीं हुआ यार ऑफिशियली, आपका डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक, इट्स इलीगल। तो मैंने भी यही पूछने की कोशिश की यार मैं कहाँ से गलत हो रहा हूँ, अपने घर में मैं आ रहा हूँ, द हाउस इज ऑन ब्लडी माय नेम आल्सो यार। नहीं लेकिन आप कह रहे हैं कि इलीगल है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी भी रिलेशनशिप श्रद्धा शर्मा के साथ में आपकी रही, आई एम सेइंग दैट इमोशनल अत्याचार में भी किसी लड़की ने आपको कुछ शुरू करने को, दैट इज अ प्रोफेशन यार, यू हैव टू वर्क एटलीस्ट विद समवन। आई स्टेड विद श्रद्धा शर्मा बिकॉज श्वेता तिवारी थ्रोन मी आउट फ्रॉम माई बोथ द हाउसेज फोर्सफुली,
by police and I had no place. There was nobody who can take me in the house. I wrote in a networking site, I have no space to live. Can any of my friend help me? I got Shraddha Sharma's call, okay, you come to my house. You stay there as a paying guest. What's wrong in it? I became very good friend. Yeah, we became very good friends, still very good friends. But people want to make it as a relationship only and all. So hardly matters, yeah. Okay, we are relationship. लेकिन श्रद्धा शर्मा की भी complaint थी कि आपके उनसे भी कुछ आपके कुछ झगड़ा गड़ा हुआ. See that again, that was a very very personal. There's just two people fight. Me and you just began had a fight in our bedroom, in our hall or in our house where we live. And people just make it a tamasha out of proportion because the guy who is involved is infamous. You can say anything wrong about him, anybody will believe. So and I don't know who gets benefit out of showing that dekho uska ek aur karnama and who's interested in seeing all these things. Main yahan sharab pee ke 10 logon ki jaan le loon samajh mein aata log bole yaar bura aadmi hai. Main sharab pee ke 2 baje mere ko meri beti ki yaad aa gayi aur main apni biwi ko sirf phone kar dun ke yaar baat hi kara do aur wo police ko phone kare ke mere ko harass kar raha phone kar kar ke aur police particularly itni efficiently mere ko utha ke le jaye. चीज़ को अगर आप नोटिस करें कि एक तरफ तो एक आपकी सर्टन सॉर्ट ऑफ इमेज है. मैं एक बार ये फिर से रिपीट करूंगा कि बिग बॉस में हमने जो आपका एक रूप देखा था वो जिस तरीके से हम लोगों ने बाहर देखते हैं उससे मुख्तलिफ था, डिफरेंट था. आप अपनी दुनिया में आप यू आर सेटिस्फाइड. कहीं ना कहीं शायद आप एक अपनी बेटी को एक सर्टन एक चीज़ दिखाना चाहते थे. उन दिनों तक आपने शराब भी नहीं पी, आप काफ़ी टाइम तक आप बिग बॉस के घर में रहे थे. लेकिन होता क्या है कि अभी आज के टाइम में आपकी एक सर्टन इमेज है वो नेगेटिव है, श्वेता तिवारी की जो इमेज है बहुत पॉजिटिव है. कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार इन्होंने कुछ गलत किया होगा. यार अगेन आई वांट टू से आई डोंट नो हु आर द इमेज क्रिएटर्स. मैं बोलता हूँ कि सपोज यू आर अ गाय जो मेरे बारे में सोचता है मैं भाई बुरा इंसान हूँ. मुझे इस बात से तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप मेरे कोई बहुत खास करीबी नहीं है. अगर मेरे पेरेंट्स मुझे नेगेटिव माने या मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ अभी तक हैं वो मुझे बुरा माने या मेरे वो रिश्तेदार जो अभी तक मेरे साथ हैं वो मुझे बुरा माने, देन 100% आई एम अ बैड पर्सन. अब हु क्रिएटेड द इमेज एंड हु थिंक्स दिस वे, दैट हार्डली मैटर्स टू मी यार. नॉट एट ऑल, बिकॉज आई नो द ट्रूथ. बहुत पुरानी कहावत है यार, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती. अगर राजा चौधरी इतना ख़राब इतना बुरा आदमी होता तो 8 साल तक शादी भी नहीं रहती होगी, क्या पता. वो कैन इमेजिन के अभिमान, शायद अभिमान एक फिल्म थी वो रिवर्स में मेरे घर में चल पड़ी हो. बिकॉज व्हेन शी वाज ऑन अ टॉप आई स्टार्टेड ग्रूमिंग अप बाय डूइंग दिस नच बलिए एंड यू नो आई वाज डूइंग दिस फिल्म अगेन भोजपुरी. आई वाज मेकिंग वन भोजपुरी फिल्म एंड आई वाज कमिंग अप. I was so much into things. I was so much into work and all. And that time I realized, oh, that something else is happening in my house. In case of Shweta Tiwari, I only ask you one thing. Any girl, any woman or any man in this earth, if they are married, have a, you know, contrast in their life, not a good understanding, not even each other to supportive. If they can grow, I can bet, okay, I was a wrong guy. When I married her, she used to stay in a chawl. I used to stay in a 225 square feet ki one cottage on a paying guest, 500 rupees mein. When we got married, she was also looking for work. I was working as a production manager. Yaar, I supported her that way. She supported me that way. But immediately when she grew up, maybe she must have changed. I never changed that way. आप ये देखिए कि आपकी बेटी जब बड़ी होगी तो वो क्या सोचेगी. आप शराब छोड़ के आप अगर एक अपने आप को आप कोशिश करें कि आप अपने करियर में, भाई आप टैलेंटेड आप हैं, आपको बिग बॉस में आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिली, आपको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए. मैंने बिग बॉस में कोई एक्टिंग नहीं की, किसी ने मेरी परफॉर्मेंस आज तक देख के मेरे बारे में कोई बात नहीं की. वहाँ मैं सिर्फ एज ए नॉर्मल इंसान था जैसे सब लोग होते हैं. लेकिन देखिए ऐसा क्या, हम भी मीडिया में हैं, हम लोग जानते हैं बहुत से लोग जो होते हैं उनको एक्टिंग कुछ नहीं आती भाई. एक लेकिन इमेज वाली बात होती है, अगर एक आप पॉपुलर हो गए, आपका एक फेमस अगर आपका हो गया, बहुत से लोग कैपिटलाइज करते हैं उसके ऊपर. प्रवेश राणा, अब वो कहां से वो लड़का आया, आज के टाइम में कितना वो अच्छा कर रहा है, उसने जिस तरीके से सारा अपना एक बनाया उसने और जितना उसने अभी फिल्म कर रहा है, सीरियल्स कर रहा है, शोज वो होस्ट कर रहा है. अपनी बेटी के लिए क्या आप बदलना चाहेंगे कि आप शराब छोड़ के आप अपने करियर पर फोकस करें, आप अपने आप को एक स्टेबल हर तरीके फाइनेंशियली और तरीके से स्टेबल करने की कोशिश. मैंने एक दिन बैठ के बहुत सोचा जब मुझे बम्बई से इवन एक तड़ी पार का नोटिस मिला. मैंने बहुत सोचा कि मैं 13 साल में मैंने शहर में क्या अचीव किया. अपने माँ बाप से दूर रहा, अपने घर से दूर रहा, यहाँ शादी की वो भी टूट गई, एक बच्ची है वो बुरा आदमी समझती है और सपोर्टिंग बहुत है उसे बताने के लिए कि यस इट्स फैक्ट. सो व्हाट कैन आई डू. तो आई डिसाइडेड ओके आई विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग नाउ.
एंड सिंस दैट डे ट्रस्ट मी देयर इज नो इशू, नीदर इज अ शराब, नीदर इज अ एंगर, नीदर इज एनीथिंग, इट्स जस्ट आई हैव लेफ्ट देम. इट टुक मी 4 years, यस, वेरी हार्ड, वेरी टफ. आई हैव ट्राइड ऑल द वेज टू, यू नो, टू, जैसे मछली पानी से बाहर निकाल दोगे छटपट छटपट के वापस जाना चाहती है, आई वाज लाइक दैट. बट इट्स बेटर, और आई एम कम्प्लीटली फ्री विद देम. आई रियलाइज इट वॉज माई गुड पास्ट, ओके, इट टॉट मी सो मेनी थिंग्स के आगे आने वाली टाइफ में मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो मेरे साथ इस बार हुआ है. आगे कोई नई गलती होंगी, आई डोंट नो, बट दीज विल आई लर्न, लाइक शराब पीना, लोगों से गालियाँ देना. अभी आपने शराब पीना छोड़ दिया? क्विट, आई एम 100% क्लीन. सो ये थे राजा चौधरी, जो कि अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, दाल में कुछ काला है, और अबीना मलिक के साथ में वो काम कर रहे हैं उस फिल्म में. और उसके अलावा उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बात करी है, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी है, अपनी बेटी के बारे में बात करी, और हमें जो उन्होंने बहुत अच्छी खबर जो ये बताई है कि वो शराब छोड़ चुके हैं और वो अपने आप को काफ़ी हद तक उन्होंने बदलने की कोशिश करी है. एंड हम यही चाहेंगे कि आपके पॉजिटिव बातें हम सुनने में आए, एटलीस्ट आपकी बेटी आपको अच्छा आदमी समझे. एंड ऑल द बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच. Thank you. That's all we have from Bollywood Hangama. Keep on watching.